दोस्तों, अंतरिक्ष में अपने स्पेसक्राफ्ट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रिसर्च करना तो काफी आसान हो गया है, लेकिन असली खतरा तो स्पेस में जाने और वहां से सही सलामत वापस आने में है। क्योंकि जाते वक्त एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के विपरीत दिशा में उड़ना होता है और आते वक्त वातावरण में एंटर करने के दौरान गर्म हवाओं की गर्मी, दबाव व घर्षण का सामना करना पड़ता है और इस दौरान की गई छोटी सी गलती भी अंतरिक्ष यात्रियों की जान ले सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स के साथ स्पेसक्राफ्ट का ग्राउंड क्रू स्टाफ भी उनकी सुरक्षा का ध्यान लगातार रखता है ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग सही सलामत हो जाए। और आज के इस वीडियो में हम स्पेस ट्रेवल के विज्ञान को आसान शब्दों में समझेंगे। दोस्तों, बचपन में दिवाली के समय पटाखे वाला रॉकेट आसमान में छोड़ते समय आपके मन में कभी न कभी यह ख्याल आया होगा कि बड़े होकर मैं भी एक बड़े से रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा जरूर करूंगा। अब यह बात तो हम सबको पता है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए एक रॉकेट की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि स्पेस में जाने के लिए आप रॉकेट में नहीं बैठ सकते, बल्कि इसके लिए आपको स्पेस क्राफ्ट की आवश्यकता होती है। अब आप सोचेंगे कि फिर रॉकेट किस काम का, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्पेस में जाने के लिए रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक स्पेस क्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस एक्सपेरिमेंट के जरूरी चीजें होती हैं, जिसे अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम रॉकेट का होता है। अब जानते हैं कि रॉकेट कैसे काम करता है। दोस्तों, आप सभी ने अपने स्कूल टाइम में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो जरूर पढ़ा होगा, जिसके मुताबिक हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे जब गन से गोली फायर की जाती है तब बंदूक से बुलेट निकलने पर आगे की ओर एक्सीलरेशन फोर्स लगता है और गोली भी बंदूक के ऊपर बराबर फोर्स लगाती है, जिसे रिकॉइल फोर्स कहा जाता है। इस वजह से बंदूक चलाने वाले व्यक्ति के कंधे पर झटका भी लगता है। इसके अलावा जब हम जमीन पर किसी बॉल को मारते हैं तब जितनी स्पीड से हम बॉल को जमीन पर पटकते हैं वह उतनी ही स्पीड से ऊपर की ओर उछलती है। ठीक वैसे ही एक रॉकेट भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे ईंधन के कंबशन से रॉकेट थ्रस्ट पैदा करता है, जिसके इस्तेमाल से वह धरती से उठता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर जाने लगता है। यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि लॉन्च पैड से निकला हुआ यह गोलाकार यान रॉकेट नहीं होता, बल्कि उसके पास में लगे इन ट्विन इंजेक्शन को रॉकेट कहते हैं, जिसका काम सिर्फ अपने पेलोड को स्पेस तक पहुंचाने का होता है। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स के सैटेलाइट या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दुनिया में मौजूद हर इंजन की तरह रॉकेट के इंजन को काम करने के लिए भी ईंधन की जरूरत होती है। जब यह ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैस निकलती है। अपने सीधे बनावट की वजह से इंजन इन हॉट गैसेस को नीचे की ओर छोड़ता है, जिससे धक्का यानी थर्स्ट पैदा होता है और रॉकेट ऊपर की ओर पलायन करता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह धक्का कितना पावरफुल होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्पेसक्राफ्ट के पास लगे ये रॉकेट 5.3 मिलियन पाउंड्स थर्स्ट पैदा करते हैं, जो लगभग 44 मिलियन हॉर्स पावर के बराबर होता है। इतने पावर को एक साथ उत्पन्न करने के लिए 14,706 एक्सल लोकोमोटिव्स इंजन या 4,00,000 से ज्यादा कार के इंजनों की आवश्यकता होगी। साथियों, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि एरोप्लेन को हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहीं दूसरी तरफ इस रॉकेट को स्पेस में उड़ना होता है, इसलिए यह ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीडाइजर्स को अपने साथ लेकर उड़ता है, ताकि इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता ना पड़े। एक रॉकेट के इंजन में मुख्यतः दो प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा सॉलिड फ्यूल। स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी से दूर स्पेस में सही सलामत पहुंच जाने के बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट अपनी आगे की जर्नी पर निकल जाता है। दोस्तों, अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो हम अब आगे स्पेसक्राफ्ट की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक स्पेसक्राफ्ट एरोप्लेन की तरह ही होता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने पीने, सोने और बाकी सभी फैसिलिटीज होती हैं। ठीक एरोप्लेन के कॉकपिट की तरह ही इसके आगे के हिस्से में इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जिसमें बैठे पायलट एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। रॉकेट अलग होने के बाद
स्पेसक्राफ्ट का पूरा कंट्रोल पायलट एस्ट्रोनॉट के पास होता है और वह बाकी एस्ट्रोनॉट्स को जरूरी जगह पर ले जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर यह एस्ट्रोनॉट्स अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा कर पृथ्वी पर वापस कैसे लौटते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि इस पर से रिटर्न होने के लिए भी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट के पास ना तो इतना फ्यूल होता है और ना ही एक्स्ट्रा रॉकेट जो उन्हें वापस ला सके। तो फिर वापस आते कैसे हैं? तो दोस्तों अब इस वक्त उनको काम आते हैं स्पेस शटल, यानी स्पेसक्राफ्ट्स जो करीब 17,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर काटते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। इस एंट्री के दौरान की जाने वाली प्रक्रिया ही स्पेस ट्रेवल की सबसे कठिन प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के चारों ओर घूम रही गर्म हवाओं, उनके प्रेशर और फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। इस हीट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यदि स्पेसक्राफ्ट की जगह किसी एरोप्लेन को अंतरिक्ष से वायुमंडल में लाया जाए तो वह इस हीट से चुटकियों में राख हो जाएगा। इसी हीट से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी और निचली सतह के साथ पंखों पर भी एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंस कोटिंग लगाई जाती है। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2003 में जिस स्पेस शटल में कल्पना चावला और उनके साथी थे, उस स्पेस शटल में लॉन्च के दौरान उसके पंख से ये हीट रेजिस्टेंस कोटिंग उखड़ गई थी, जिसके बाद नीचे आते समय वायुमंडल की गर्मी ने स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ अंदर बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स को कुछ ही पलों में जलाकर राख कर दिया। खैर, जैसे जैसे यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में एंटर होकर धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे यह जमीन के पैरेलल उड़ने लगता है और फिर आता है लैंडिंग का समय, जो पायलट एस्ट्रोनॉट के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि हवाई जहाज की तरह ही स्पेसक्राफ्ट को भी रनवे पर ही लैंडिंग कराया जाता है और लैंडिंग के दौरान इसके नीचे लगे पहिए खुल जाते हैं। लेकिन स्पेसक्राफ्ट को लैंडिंग कराना हवाई जहाज से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड हवाई जहाज से कई गुना अधिक होती है और इसी स्पीड को कम करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में पीछे लगा एक पैराशूट खुल जाता है, जिससे इसकी स्पीड लैंडिंग के दौरान काफी हद तक कम हो जाती है। हालांकि दोस्तों पहले कुछ देशों के स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में भी कराई जाती थी, लेकिन इससे स्पेसक्राफ्ट का समुद्र में डूब जाने का खतरा ज्यादा होता था, इसलिए अब यह नहीं कराया जाता। तो दोस्तों इस प्रकार आपने जाना कि अंतरिक्ष में जाने और वहां से वापस आने में कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।